नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एस एस सी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो आज हम उसी से संबंधित पूरी जानकारी आपको यहां पे देने वाले हैं एस एस सी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 इसका नोटिफिकेशन आ चुका है आज हम इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से लगा एग्ज़ाम होने तक आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और साथ ही साथ आपकी एस एस सी सी की पूरी प्रिपरेशन कराने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है हम आपकी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे। रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश सभी को यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल पे कवर किया जाएगा और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाई जाएगी दो महीने में आपको कैसे एस एस सी के एग्ज़ाम को पास आउट कर लेना है वो पूरी रणनीति हम यहाँ पे आपको बताएंगे और सारे आपको एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे तो शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन की सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है तीन अप्रैल 2023 से तीन मई 2023 तक आपकी एप्लीकेशन फॉम भराएंगे और आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो जुलाई 2023 में होगी तो हम आपको यहाँ पे सिर्फ उन बातों को बताएंगे जो आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये नोटिफिकेशन लगभग पिछहत्तर पेज का है तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है इतना आप नहीं पढ़ पाएंगे इसलिए हम आपको इसका पूरा सार यहाँ पे बताने वाले हैं पूरी सम्री आपको यहाँ पे छोटे से शब्दों में बताने वाले हैं तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब भरना है और एग्ज़ाम कब होगी वो आपको यहाँ पे हम बता चुके हैं इससे आगे यदि हम बढ़ें तो यहाँ पे अब आप, आपकी जो पूरी एग्ज़ाम की डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं अब आप यहाँ पे इसका एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ से एज लिमिट सब दी है यहाँ पे एक तरफ एज लिमिट और रिमार्क्स दे रखे हैं कि आपको एटीन से ट्वेंटी सेवन ईयर्स की एज लिमिट जिस पोस्ट में है उसके लिए आपका आ, जो बर्थ डेट है वो कब से लगाकर कब तक की होनी चाहिए वो आपका यहाँ पे सामने लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए आपका आ, ए, एटीन से ट्वेंटी सेवन ईयर अगर एज लिमिट है तो आपकी बर्थ डेट किस से किसके बीच में होनी चाहिए तो आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए आ, दो आठ छन्नु से लगा के एक आठ दो हजार पाँच के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए तो ये आपकी एज लिमिट हो जाएगी यहाँ से और उसके बाद अगर हम बात करें तो आ, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन सभी का ये दे रखा है एस सी एस टी के लिए फ़ाइव इयर्स है ओ बी सी के लिए थ्री ईयर्स है ऐसे सभी का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है और फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो इसके बाद बहुत से पॉइंट यहाँ पे दे रखे लेकिन इतना हम आपको नहीं बताएंगे बल्कि आपको सिर्फ इसमें से जो मेन मेन बातें हैं वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं तो इसमें हम देखते जाते हैं क्या क्या मेन बातें हैं जो आपको यहाँ पे काम में आएगी तो अगर अब हम यहाँ पे अगली चीज़ को देखें तो वो है एग्ज़ाम फ़ीस जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो आपकी है हंड्रेड रुपीज़ तो हंड्रेड रुपीज़ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा ओनली तो ये आपकी फ़ीस है उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो क्या क्या रहेंगे एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो यहाँ पे दे रखे हैं तो आप आपके स्टेट वाइस यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर देख सकते हैं जैसे आप यदि बिहार और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये सब इस वाले कॉलम में यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसी प्रकार सभी स्टेट के आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे तो ये सभी स्टेट के एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे ये यह दे रखे हैं आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आसानी से इनको देख सकते हैं अब अगर इसके बाद आगे हम बात करें तो आपके फर्स्ट और सेकेंड राउंड की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में आपका वन पेपर होगा तो वो होगा टू हंड्रेड मार्क्स का उसमें आपको ये चार सेक्शन मिलेंगे पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग का दूसरा है जनरल अवेयरनेस का तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और चौथा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सभी में आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मिलेंगे और पर क्वेश्चन आपका टू मार्क्स का होगा यानी कि फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स के सभी सेक्शन रहेंगे ये आपका वन आवर का पेपर होगा एक घंटे का पेपर रहेगा ये आपका तो टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर है जिसमें आपके हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ एक घंटे में आपको सॉल्व करने हैं इसको अब आगे अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की तो उसमें आपके जो पेपर होंगे वो थ्री पेपर होंगे तो थ्री पेपर में से जो पहला पेपर है उसमें आपका जो सेक्शन फर्स्ट रहेगा उसमें दो मॉड्यूल होंगे पहला तो होगा मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ का और दूसरा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो थर्टी थर्टी क्वेश्चन होंगे यानी कि कुल सिक्सटी क्वेश्चन होंगे सेक्शन फर्स्ट में जो कि थ्री uh, मार्क्स के क्वेश्चन होंगे यानी कि वन एटी नंबर का ये सेक्शन फर्स्ट आपका रहेगा जो आपको वन आवर में यानी कि एक घंटे में कंप्लीट uh, करना है उसके बाद जो इसका सेकेंड सेक्शन होगा उसमें भी uh, दो मॉड्यूल दिए हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और एक मॉड्यूल सेकेंड uh, में जो है वो है जनरल अवेयरनेस तो इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो फोर्टी फाइव और ट्वेंटी फाइव रहेंगे मॉड्यूल uh, वन में फोर्टी फाइव क्वेश्चन और मॉडल टू में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन यानी कि सेवेंटी क्वेश्चन आपके होंगे जो कि यहाँ भी तीन तीन नंबर के क्वेश्चन होंगे तो सेवेंटी क्वेश्चन होंगे तीन तीन नंबर के यानी कि टू हंड्रेड टेन मार्क्स का आपका ये सेक्शन सेकंड रहेगा तो ये भी आपको एक घंटे में सेक्शन सेकंड हल करना है सॉल्व करना है और अब अगर हम बात करें सेक्शन थर्ड की तो सेक्शन थर्ड में ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे जो तीन नंबर्स के होंगे यानी यह कि यहाँ पे ये साठ नंबर्स के कुल cool क्वेश्चन होंगे जो आपको पंद्रह मिनट में सॉल्व करने हैं तो पंद्रह मिनट में आपको सॉल्व करने हैं सेकेंड सेक्शन थ्री में क्योंकि सेक्शन थ्री में आपको सिर्फ एक ही मॉड्यूल है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल तो ये आपको पंद्रह मिनट में सॉल्व करना है ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे उसके बाद अगर हम सेक्शन सेकेंड की बात करें तो ये पंद्रह मिनट का होगा इसमें सेक्शन थर्ड जो है वो आपका मॉड्यूल सेकेंड रहेगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल जिसमें आपको सिर्फ वन डाटा एंट्री टास्क रहेगा और जो पेपर सेकेंड रहेगा ये सब पेपर फर्स्ट के थे अब पेपर सेकेंड में आपको स्टेटिक्स रहेगा उसमें हंड्रेड क्वेश्चन होंगे जो कि टू टू मार्क्स के होंगे यानी कि टू हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा जो आपको टू और में यानी कि दो घंटे में आपको कंप्लीट करना है उसके बाद अगर हम बात करें पेपर थ्री की तो वो जनरल स्टडीज़ का होगा इसमें भी हंड्रेड क्वेश्चन होंगे जो कि टू टू मार्क्स के होंगे यानी कि टू हंड्रेड मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा ये भी आपको आ, दो घंटे में सॉल्व करना है तो इस प्रकार से ये आपकी पेपर की जानकारी हो गई अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर अब तो इसमें अब आपके पास आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो सिलेबस की अगर बात करें दोनों सेक्शन में दोनों पार्ट में तो पहले पार्ट का ये जो सिलेक्श सिलेबस ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पूरा डिटेल में सिलेबस है यहाँ पे तो ये यह आप यहाँ से पूरा डिटेल का सिलेबस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये पूरा आपका सिलेबस है यहाँ से ये यह। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर कर लिए और आपके रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश सभी के वीडियो हम डेली अपलोड करते रहेंगे हमारे चैनल पर पहले भी वीडियो डले हुए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं तो आपकी पूरी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन दो महीने में आपकी कंप्लीट हम करा देंगे अब यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट में जो आपके थ्री पेपर होंगे उनका पूरा सिलेबस दिया है ये तो इनके आप स्क्रीन लेते जाइए बस यह यहाँ से फटाफट ये आपके पूरे सिलेबस है तो ये आपका पेपर सेकंड का सिलेबस यहाँ पे चल रहा है आपको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको नोट कर लेना है ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और ये पेपर थर्ड का तो ये पेपर थर्ड का आपका यहाँ तक पूरा ये सिलेबस हो जाएगा तो ये पूरी हमने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है यहाँ पे तो हमने आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से लगाकर एग्ज़ाम होने तक की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई है तो आप अब अपनी तैयारी शुरू कर दें एस एस सी के लिए ये आपकी जुलाई में एग्जाम हो जाएगी तब तक आपके पास दो महीने का समय है इन दो महीनों में आप अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करें हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको अवेलेबल होते रहेंगे दो महीने तक तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद